आज हम बनाने वाले हैं बेसन से खस्ता और नमकीन शक्कर पारे। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसे आप एक बार बनाकर कई दिनों तक स्टोर कर सकते हो। जब चाय के साथ कुछ चटपटा सा खाने का मन करे तब आप इसे इंजॉय कीजिए। सभी को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 कप बेसन। ये लगभग 750 ग्राम के करीब मैं ये ले रही हूँ। बेसन को आप यहाँ पर छान कर लीजिए, जिससे इसका डो बहुत ही स्मूथ बनेगा और इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं बनेगी। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तिल, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, ये बारीक वाली है। अगर आप यहाँ पर मोटी वाली सौंफ डाल रहे हो तो थोड़ा सा उसे क्रश करके डालिए। ऊपर से डालेंगे कसूरी मेथी, इसका जो स्वाद है नमकीन पारे में बहुत ही बढ़िया आता है। 1/2 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। 1 चम्मच जाएगा लाल मिर्च पाउडर। स्वाद के अनुसार इसमें डाल दीजिए नमक, मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। मसालों को एक बार बेसन में मिला दीजिए। अब इसमें डालेंगे मोयन, तो मैं यहां पर इसमें डाल रही हूं 2 बड़ा चम्मच ऑयल। बेसन में ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कम ऑयल से भी एकदम खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। इन्हें अच्छी तरह से हाथों में मसलते हुए बेसन में मिला लीजिए। सारे बेसन में एक जैसा मोयन लगा लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से इसे मसलते हुए मिलाइए, ये इजीली मिल जाएगा। देखिए इस तरह का मोयन हमें लगा लेना है, ये एक जैसा लगा है। अब इसमें पानी डालकर बेसन का डो बनाएंगे। नमकीन पारे घर पर बनाना बहुत ही आसान है, ये एक के साथ बहुत सारे बन जाते हैं और इन्हें बनाने में भी समय कम लगता है। यहाँ जो आटा हम बना रहे हैं उसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए, जिससे नमकीन पारे बनाते समय किनारे से फटेंगे नहीं। आटे को गूंदते हुए बढ़िया सा लोच लगाइए। जितना बढ़िया आटा बनेगा उतने ही खस्ता और कुरकुरे नमकीन पारे बनेंगे। ये देखिए इस तरह का सॉफ्ट सा डो बनाकर हमें रेडी कर लेना है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेकर डो पर लगा दीजिए, जिससे आटा सूखेगा नहीं। अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढककर सेट होने के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर गैस पर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दीजिए। इसे लो फ्लेम पर गर्म होने दीजिए। जब तक हम नमकीन पारे को बेलेंगे तब तक ये ऑयल गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर में ही देखिए डो अच्छी तरह से सेट हो गया है। ऑयल लगाने से इस पर सूखी पपड़ी भी नहीं बनी है और ये चिकना सा हो गया है। इसे हाथों से एक बार और गूंद लेंगे। अब डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे हाथों में गोल करके इसकी लोई बना लेंगे। इसे बेलन से बेल लीजिए। यहाँ मैंने बड़ी लोई ली है, जिससे एक ही लोई से एक ही बार में बहुत सारे शक्करपारे बना पाएंगे। ऐसे बनाने में समय भी कम लगता है और ये एक ही बार में बहुत सारे बन जाते हैं। इसे चपाती की तरह पतला बेल लीजिए। आटा हमने अच्छी तरह से लगाया था तो ये किनारे से बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। ये देखिए मैंने लोई को इतना पतला रखा है। अब इसे हम कट करेंगे। आप इसे किसी भी शेप और साइज में कट कर सकते हो, मैं इसे क्यूब्स में कट कर रही हूं। ये देखिए इतने पतले नमकीन पारे बनाने हैं। ये ऑयल में फ्राई होने के बाद और फूलेंगे, तो इसलिए मैंने इन्हें पतला ही रखा है। इधर ऑयल भी अच्छा गर्म हो गया है, इसमें एक साथ सभी शक्करपारे डाल दीजिए। ये गर्म ऑयल में अपने आप ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। मैं जब भी घर पर ये नमकीन पारे बनाती हूँ तो इन्हें एक ही बार में बेलकर
बाद में सभी को साथ ही में फ्राई कर लेती हूँ। इन्हें सुखाने या हवा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बेल कर डायरेक्टली आप इन्हें फ्राई कर सकते हो। ये देखिए, गरम ऑयल में हल्के से फ्राई होते ही सभी नमकीन पारे एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इनका शेप खराब भी नहीं हुआ है और ये बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। ऐसे झारी से अलट पलट करते हुए इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इनका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। ऊपर से सुनहरे से हो जाने तक इन्हें ऐसे ही फ्राई करना है। चाय के साथ नाश्ते में खाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है। आप इन नमकीन पारे को बनाकर सफर पर भी ले जा सकते हो। ये 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। अब देखिए, इनका कलर हल्का सा सुनहरा सा हो गया है। चलाने पर पता चल रहा है कि ये कुरकुरे हो गए हैं, तो अब इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेंगे। खस्ता, क्रिस्पी और मसालेदार नमकीन पारे बनकर तैयार है। ये ज़्यादा ऑयल भी नहीं सोखते हैं और एक ही बार में ढेरों बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए, एकदम कुरकुरे लाजवाब नमकीन पारे बने हैं। आप भी इस नमकीन पारे को ज़रूर बनाइए, सभी खाने वालों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ के लिए।